Good morning, students. Welcome once again with our new chapter, the invention of Vitagua. So, as the name suggests, invention that someone there is something invented, and this is medicine. मतलब यहाँ पर कुछ invent किया गया है और वो क्या invent किया गया है? एक medicine invent की गई है Vitagua. Okay? So this is an imaginary story and there are two characters, Mr. Willy Wonka and Charlie. So Mr. Willy Wonka is a scientist here and Charlie who assists him in his work. Charlie उनकी help करता है उनके work में. Okay? So Mr. Willy Wonka invented two medicines. So let's see, two tonics. Okay? So first he invented Wonka White, which makes people younger. And someone who drank this medicine na, their age was negative and they disappeared. वो गायब हो गए, उनकी जो age है वो negative में चली गई. जैसे कि -87 कोई जिसने इस ड्रिंक को पिया वो -87 हो गया, तो वो मतलब अब उसको वापस से अपने उस मतलब उसी बॉडी में या उसी लाइफ में आने के लिए उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा. ओके, सो हियर नेक्स्ट ड्रिंक इज विटा वोंका, विच मेक्स पीपल ओल्डर. जो विटा वोंका है वो लोगों को ओल्डर बना देती है. सो लेट्स सी हाउ मिस्टर विली वोंका हैड इन्वेंटेड विटा वोंका. So Mr. Willy Wonka set to work for a new recipe. अब Mr. Willy Wonka set to work, that means he started his work. उन्होंने अपना work करना start कर दिया था. इसके लिए किसके लिए? For a new recipe. And what is this? What is the new recipe? Is Vita Wonk. और ये Vita Wonk उनकी एक new recipe थी, मतलब एक ऐसी medicine थी जो वो बनाना चाहते थे लोगों को older करने के लिए. Okay? So जब उन्होंने जब ये सोचा, जब वो काम पर लगे कि when he started his work, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि what is the oldest living thing in the world, कि world के अंदर सबसे पुरानी living thing क्या है, सबसे पुरानी चीज क्या है. तो उनका जो assistant है Charlie, he suggested that a tree, कि tree है जो सबसे oldest है. और Charlie ने बताया कि उस tree का name है Bristol Corn Pine, ठीक है, जो कि around 4000 years old है. ठीक है, तो ये सबसे पुराना ट्री है इस वर्ल्ड का, लिविंग थिंग है सबसे पुरानी. देन जो मिस्टर विली वोंका है, ही जंप्ड इनटू हिज ग्रेट ग्लास एलिवेटर. ठीक है, एक टाइम मशीन की तरह एक एलिवेटर है उनके पास. ही जंप्ड इनटू इट एंड ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड टू कलेक्ट द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. फर्स्ट ही कलेक्टेड सैप फ्रॉम 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिसल कॉर्न पाइन ट्री. तो सबसे पहले उन्होंने ब्रिसल कॉर्न पाइन ट्री का जो सैप है, यानी जो लिक्विड सब्सटेंस जो उसमें होता है, वो कलेक्ट किया. देन ही टुक अ टो नेल क्लिपिंग. फिर उन्होंने टो नेल क्लिपिंग, जो मिस्टर विली वोंका है, उन्होंने टो नेल क्लिपिंग कलेक्ट की, जो कि 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर की थी, जिसका नेम था पेट्रोविक ग्रेरोविक. ठीक है, उनकी नेल क्लिपिंग उन्होंने ली. And after that he collected the egg of 200 years old tortoise. फिर उन्होंने 200 old years जो tortoise है उसके egg को लिया. And after that the tail of 51 year old horse, जो 51 year old horse है उसके tail को लिया. Then he took the whiskers of 36 years old cat. फिर उन्होंने जो whiskers हैं, यानी मूछें हैं जो 36 years old cat की, वो whiskers को उन्होंने collect किया अपने invention के लिए. Then he took a flea that lived on the cat. फिर उन्होंने एक मक्खी, एक flea को भी लिया जो कि cat पर रहती थी. And next came the tail of a giant 207 years old rat. और जो 207 ईयर्स ओल्ड रैट है उसकी टेल को भी उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन में यूज़ किया, कलेक्ट किया. एंड देन ब्लैक टीथ ऑफ 97 ईयर्स ओल्ड ग्रीमाकिन एक टाइप की कैट है जिसका ब्लैक टीथ लिया उन्होंने, जो कि 97 ईयर्स ओल्ड थी. एंड देन नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू. फिर उन्होंने कैटलू जो है 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू है उसकी बोन्स को लिया. And then mixed them all together and boiled them. Now Mr. Willy Wonka discussed with Charlie कि कैसे उन्होंने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ ली है, कि एक हेयर लिया है, एक आईब्रो ली है,
और कैसे कितने ओंस जैम लिया है जो कि स्क्रैप किया है उन्होंने, जो टॉय है उनके बीच में जो स्पेस है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की, मतलब वो सभी चीज़ों की क्वांटिटी उसको बताते हैं और फिर कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सभी चीज़ों की क्वांटिटी तुम्हें बताऊं। सो आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग, तो बहुत बॉयल करने के बाद बबलिंग यानी उन पर बुलबुले आने लगे, ठीक है, और मिक्सिंग के बाद और फिर उसकी टेस्टिंग भी की गई, उसके बाद में उनके इन्वेंटिंग रूम के अंदर वो ब्लैक लिक्विड प्रिपेयर किया गया एंड ही गेव, मतलब मिस्टर विली वोंका गेव 4 drops ऑफ दैट ब्लैक लिक्विड टू अ 20 years old मैन नेम्ड ओम्पा लुम्पा, ठीक है। तो ओम्पा लुम्पा नाम का एक मैन है, उसको ये 4 drops दी गई इस ब्लैक लिक्विड की। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हिम। सो दिस फेलो ओम्पा लुम्पा ही बिकेम ओल्ड, बिगेन रिंकलिंग, मतलब उसके रिंकल्स होने लगे स्किन पर एंड श्रेवलिंग अप ऑल ओवर उसकी बॉडी, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया और कांपने लगा एंड हिज हेयर स्टार्टिंग ड्रॉपिंग ऑफ, उसके हेयर ड्रॉप गिरने लगे एंड हिज टीथ फॉलिंग आउट, उसके जो टीथ थे वो भी गिरने लगे, फॉल आउट होने लगे एंड ही टर्न इंटू अ फेलो ऑफ 75, मीन्स जो 20 years old जो बॉय था वो क्या हो गया, 75 years old मैन हो गया एंड द नेम ऑफ द इन्वेंशन वॉज वीटा वोंक, और ये इन्वेंशन जिसने ये सब किया था उसका नेम था वीटा वोंक। एंड फाइनली द साइंटिस्ट गॉट सक्सेस इन हिज न्यू इन्वेंशन नेम वीटा वोंक। सो दिस इज हाउ वी हैव सीन दैट दिस इज हाउ द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक हैपेंड।